हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 41 क्वेश्चन हो गए, आज 42 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अब जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर स्टार्ट कर दो, यानी कि कंपनी अकाउंट्स वाली बुक स्टार्ट कर दो। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, 42 आप देखिए। लिखा है रैना एंड मीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म विच दे डिजॉल्व ऑन 31st मार्च 2023। दो पार्टनर है रैना और मीना, उन्होंने फर्म डिजॉल्व कर ली। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अपार्ट फ्रॉम रिलाइजेबल असेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी शोड द फॉलोइंग, और नीचे आपको असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में बता रखा है। रैना कैपिटल दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो ये उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। मीना का कैपिटल अकाउंट दे रखा है डेबिट, तो डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरह याद करो, डेबिट बैलेंस है, इट इज द लॉस, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। रैना लोन टू द फर्म ये बैंक अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जर्नल लेजर दे रखा है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बता रखा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रैना लोन वॉज रीपेड बाई द फर्म अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500। इसका भी कैपिटल अकाउंट से लिंक नहीं है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड आएगा, जितना लोन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया ₹500। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं ₹1000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रैना। ये एक अच्छा पॉइंट आ गया कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो किसने पे कर दिए, ₹1000 फर्म ने कर दिए, बट किसके थे वो, यानी कि बियर कर रखे हैं रैना ने, तभी वर्ड लिखा हुआ है बिहाफ ऑफ रैना। इसका मतलब ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा, रैना के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक करके आ जाएगा। सी पॉइंट अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹2000 वॉज टेकन बाई मीना, मीना ने टेक ओवर कर ली वाइल रैना पेड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक तो असेट्स टुक ओवर हुई है मीना से, तो डेबिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट की टू रियलाइजेशन करके, और एक ने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर रखी है वो उसके क्रेडिट साइड आएगा बाय रियलाइजेशन करके। पॉइंट पे आ जाओ, डिसोल्यूशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ ₹60,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि ये रियलाइजेशन का लॉस दे रखा है जो कि कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आएगा पार्टनर में। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो हमें कैपिटल पर ही फोकस करना है कि कैपिटल में क्या क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट आ गया, सबसे पहले स्टार्टिंग तो जो उनके बैलेंस दे रखे हैं वो लिखो। यदि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दे रखे थे तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, यहां तो कैपिटल के साथ क्लियर मेंशन है इसका डेबिट बैलेंस इसका क्रेडिट, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिख दो, जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड। दोनों पार्टनर के अलग अलग है, रैना का 40,000 क्रेडिट है तो लिखो बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले शुरुआत बैलेंस बीडी से होगी याद रख लो, यदि बैलेंस दे रखे हैं तो 40,000। मीना का देने नीचे दे रखा है, मीना के बारे में बता रखा है डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड ये रही, इसका यहां लिख दो टू बैलेंस बीडी। इसका अमाउंट दे रखा है 20,000, ये मीना भी आ गया। क्लियर है, बहुत आसान है, बड़े ध्यान से करते जाओ। आपने बना रखा है कैपिटल अकाउंट, जो जो कैपिटल से लिंक करती है वो आइटम आएंगी, सारी जरूरी नहीं आएंगी। अगला पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये असेट्स में दिखा रखा होगा, और मैंने आपको बताया जो लॉस है वो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, कोई भी चीज डिक्रीज करनी है कैपिटल को तो इधर, कैपिटल इंक्रीज करनी है तो इधर, ऐसे भी समझ लो। यहां लिख दो टू पी एंड एल अकाउंट, और रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या बन जाएगी इक्वल, ये रूल है पार्टनरशिप का। कितना अमाउंट दे रखा है 10,000, दोनों में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000 5,000। क्लियर हो गया, आ रहा है कहता है रैना लोन टू द फर्म, इसका लिंक नहीं है कैपिटल अकाउंट से। जर्नल लेजर दे रखा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर आ जाएगा जर्नल लेजर, कैपिटल इंक्रीज करनी है इसलिए इधर लिखेंगे। हर चीज सोच के करो, क्रेडिट में लिखते हैं तो हमारी कैपिटल अप होगी, डेबिट में लिखते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी। जर्नल रिजर्व फर्म का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है जो डिसोल्यूशन के टाइम पर उनको दे देंगे, तो कैपिटल इंक्रीज करते हैं इसलिए इधर लिख दिया। कितना कितना आ जाएगा 3,500 3,500। क्लियर हो गया, ये दे रखा है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ए पॉइंट पे आओ, कहता है रैना का लोन रीपेड हो गया, यहां लिंक नहीं है कैपिटल से याद रख लेना, लोन सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके ऊपर जो लॉस या प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन की डेबिट या क्रेडिट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, अच्छा पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ₹1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रैना, रैना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको खर्च करने की, लेकिन पे किसने कर दिया फर्म ने, तो फर्म क्या करेगी कैपिटल को डिक्रीज करेगी। लिखो यहां पर, या लिख दो एक्सपेंसेस, हर स्टेप सोच के लिखना है, मैंने इसको यहां क्यों लिखा उधर क्यों नहीं लिखा। क्लियर है, ये लिखने का पर्पज है क्योंकि ये एक्सपेंस थे किसके रैना के, बट इट इज पेड बाय द फर्म,
और फर्म क्या करेगी, फर्म विल डिडक्ट द कैपिटल, फर्म उसकी कैपिटल डिडक्ट कर देगी, कम कर देगी। लिखा हुआ है सी पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है अनरिकॉर्डेड असेट्स रुपी 2000 टेकन बाय मीना, मीना ने टेकन की। हमने रियलाइजेशन में किधर लिखी होगी असेट्स, क्रेडिट साइड याद रखो, वहां पर मीना से, तो इधर कहां आएगी डेबिट, क्यों आ गई वो भी याद रख लो, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होगी, एक तरीके से ड्रॉइंग्स होगी। ब्रैकेट में कर भी दो असेट्स टेकन, कितना अमाउंट दे रखा है 2000 रुपी। और इसी के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, रैना पेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और रैना ने लायबिलिटी पेड कर दी, कितने की कर दी 3000। तो रैना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन कर किसने दी, रैना ने, तो रैना की कैपिटल इंक्रीज कर दो। आपने रियलाइजेशन में किधर लिखा होगा, जब भी लायबिलिटी पेड करी हो याद करो डेबिट साइड, तो कैपिटल में किधर आ जाएगा क्रेडिट, ऐसे भी समझ लो, किसी भी वे में समझ आना चाहिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां लिख दो लायबिलिटी पेड। अब लास्ट आ रहा पॉइंट, डी पॉइंट आ रहा है, डिसोल्यूशन रिजल्टेड ए लॉस ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 का लॉस हो गया फर्म को। तो अल्टीमेट जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो लॉस किधर निकलता है, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल में किधर आएगा डेबिट, लिख दो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कर दो लॉस, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1, कितना कितना होगा 30,000 30,000, क्योंकि 60,000 है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30-30 आएगा। अब कोई आइटम नहीं बची, अब इसको करते हैं क्लोज, चेक करते हैं किसको फाइनल पेमेंट होगी। देखो रैना को तो पेमेंट होगी, इधर आएगा, मीना का ब्रिंग करेगा, तो यहां लिख दो, एक को तो लिखो टू बैंक, यहां लिख दो फाइनल पेमेंट, ये इसको पेमेंट हो रही है, ध्यान रख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वैसे, ये इधर से टोटल करो 46,500, तो ये बन गया, लिख दो 46,500, इधर से ये माइनस कर दो, ये कितना बनता है 36, तो 10,500 आ गया इसका तो आंसर, क्लियर हो गया, एक का तो ये आ गया। अब जरा दूसरे का चलते हैं, दूसरे का करते हैं तो 20 और 30 कितना बन गया 57,000 आ रहा है इधर का टोटल, लिख लो 57 इधर लिखो, और ये यहाँ लिखो बैंक, ये ब्रिंग करेगा फर्म के लिए, ये इसको लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसकी कैपिटल डेबिट में ज्यादा आ गई, ये ब्रिंग, कितना अमाउंट है यहाँ से माइनस कर दो, माइनस करते हो तो 53,500 आएगा, ये पार्टनर ब्रिंग करेगा, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये 42 क्वेश्चन ये था, अब एक और क्वेश्चन करते हैं 43, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर क्या है, असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि असेट्स थी कितने की, ये बता रखा है कि असेट्स रिलीज हो गई और बैलेंस शीट हमें दे नहीं रखी, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उस बैलेंस शीट का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वहां से हम ये फाइंड आउट कर लाएंगे कि फर्म के पास टोटल सन्ड्री असेट्स कितनी थी, सन्ड्री का मतलब टोटल कितनी असेट्स है। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है देर आर टू पार्टनर अंगद एंड रमन इन ए फर्म एंड देयर कैपिटल आर 50,000 और 40,000, दोनों की कैपिटल तो बता रखी है, द क्रेडिटर आर 30,000, लायबिलिटी भी बताए, द असेट्स ऑफ द फर्म रिलीज 1,00,000 रुपी, ये बता रखा है कि असेट्स रिलीज हुई है, ये नहीं बता रखा असेट्स थी कितने की, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है कैपिटल लिखते जाओ, दोनों की कैपिटल दे रखी है, अंगद कैपिटल है 50 और 40, लिख दो अंगद कैपिटल 50,000, और इसकी जो दे रखी है रमन की वो 40,000, क्रेडिटर भी दे रखे हैं क्वेश्चन में 30,000, लिख दो क्रेडिटर भी 30,000, और कोई आइटम नहीं दे रखी, नोट करो यही दे रखी थी, जो जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेवेंट होगी वो लिख देंगे, असेट्स रिलीज बैलेंस शीट में नहीं आनी, वो रियलाइजेशन में आएगी। अब इसका टोटल करते हैं, वहां से निकालेंगे फर्म के पास कितनी असेट्स थी, टोटल करते हो तो 1,20,000 हो गया इसका, लिख दो 1,20,000, और ये यहां लिख दो, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है नोट कर लेना, और इसके आगे लिख दो सन्ड्री असेट्स, टोटल असेट्स थी इसका मतलब, ये बैलेंसिंग फिगर है ध्यान रख लेना, क्लियर है, ये लिख लो, ये तो बैलेंस शीट बन गई। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन रियलाइजेशन, अब तो बेस बन गया हमारे पास, जर्नली हमें क्या है बैलेंस शीट दे रखी होगी उसको बेस बनाकर रियलाइजेशन बना रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ गई, उसको बेस बना के अब रियलाइजेशन बनाओ। ये देखो सन्ड्री असेट्स है तो असेट्स डेबिट में आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि असेट्स के बैलेंस डेबिट है, तो पहले ट्रांसफर करो, यहां पर लिख दो टू सन्ड्री असेट्स, काफी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये खाली एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बस अपनी तरफ से 1,20,000, और इधर से लिखो लायबिलिटी, क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर भी पुट कर दो, कितने दे रखे हैं 30,000, लिखो जी, ये चीज क्लियर हुई। अब चलते हैं कि ये असेट्स कितने की रिलीज हुई, इसके बारे में लिखा हुआ है, यहां लिख दो बाई बैंक असेट्स रिलीज हुई है, ये असेट्स सोल्ड हुई, कितना अमाउंट दे रखा है 1,00,000 रुपये, अच्छी तरह से देखो क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे फुल पेमेंट करेंगे, लिख दो टू बैंक, मैं कर दो क्रेडिटर
कितना अमाउंट है 30,000। और कोई आइटम नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं दे रखे क्वेश्चन में, दे रखे होंगे तो इधर आ जाएंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ गई तो इधर, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स रिलीज हो गई तो इधर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्लोज करो। क्लोज करते हो तो देखो यहां का जो टोटल आ रहा है ये ज्यादा आ रहा है और वो कम आ रहा है, तो लॉस आ रहा है फर्म को। लिख दो 1,50,000 और लॉस निकाल लो 20,000 आ गया, माइनस करोगे क्योंकि इधर का तो सम 130 है, माइनस करो 150 में से। लिख दो यहाँ भाई लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को देना है, एक तो अंगद कैपिटल और एक जो है रमन कैपिटल, दोनों की रेशियो यूज करो 1:1। कितना कितना आ जाएगा 10,000 10,000 दोनों को। क्लियर हो गया, ये था, ये तो बन गया रियलाइजेशन। अब फाइनली ये चेक करते हैं कि उनको पेमेंट कितनी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि उन दोनों ने कितना अमाउंट रिसीव किया, तो वो कैपिटल अकाउंट से पता चल जाएगा। समरी फॉर्म में भी बना लेंगे और कैपिटल में भी बना लेंगे। सबसे पहले तो लिख दो यहां भाई बैलेंस बीडी, जो दे रखी है बैलेंस शीट में, अभी हमने बैलेंस शीट में बनाई थी। एक की दे रखी है 50,000, एक की दे रखी है 40,000, अच्छी तरह से नोट कर लो। अब चलते हैं रियलाइजेशन पे। रियलाइजेशन पे आया था लॉस, याद करो लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होगी, और किधर लिखा था लॉस रियलाइजेशन में, क्रेडिट, तो पार्टनर में कितना आएगा डेबिट साइड। लिख दो 2 रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना कितना अमाउंट था याद करो, 10,000 10,000 था, और कोई आइटम नहीं है, यही पता चल गया फाइनल पेमेंट कितनी है। ये कितना रिसीव करेगा नोट करो, टोटल कर लो 50,000, वो कितना है 40,000। लिख दो दोनों का 50,000 दोनों ही रिसीव करेंगे, एक तो करेगा 30,000 और दूसरा करेगा 40,000। ये रहा, ये यहाँ लिख दो 2 बैंक, ये दोनों पार्टनर रिसीव करेंगे इस अमाउंट को। क्लियर है, लिख भी दो फाइनल पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट हो रही है। ये रहा, ये कैपिटल अकाउंट से बना दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नोट करो। और का मतलब आप कैपिटल बना के दिखाओ या बिना कैपिटल बना के, वो भी चल जाएगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो बनानी ही है, रियलाइजेशन भी बनाना है, क्योंकि जब तक लॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता चलेगा इनको कितना देना है। हम यहां पर ये लिख देते हैं फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय अंगद। देखो ये कितना रिसीव करेगा नोट करो, अंगद उसकी कैपिटल दे रखी है 50,000, प्रॉफिट होगा तो उसको ज्यादा मिलेगा और लॉस होगा तो कम मिलेगा, माइनस कर दो 10,000, तो अल्टीमेट अंगद विल रिसीव 40,000। ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, चाहे आप कैपिटल बना के दिखा दो चाहे ऐसे स्टेटमेंट में दिखा दो, दोनों ठीक है। ये देखो यहां पर भी 40 आ रहा है, इसमें भी 40, ऐसे ही लिख दो अमाउंट रिसीव्ड बाय रमन। रमन की कैपिटल लिख दो जितनी दे रखी थी, ये ओपनिंग कैपिटल है उसकी, और माइनस कर दो, उसको भी लॉस बियर करना पड़ा 10,000, कितना आ गया 30। क्लियर हो गया, चाहिए आप स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दो चाहे ऐसे दे दो कैपिटल अकाउंट, दोनों ठीक है, क्यों क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या बनाना है, लेकिन आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट और रियलाइजेशन तो बनाना ही है, मैंडेटरी है। इनके ऊपर आप बल्कि ये भी लिख दो, ये जैसे है ये क्या चीज है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, लिख दो ये तो कैपिटल गिवन है, लिखो और माइनस कर दो रियलाइजेशन लॉस। क्लियर हो गया, जो ये भी पता चल जाए ये दोनों क्या चीजें हैं। और मैंने इसीलिए लिखा है, चाहिए आप ये करके दिखाओ चाहिए ये करके दिखाओ, दोनों ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 44, बहुत ध्यान से करना, उसमें भी बैलेंस शीट बनानी है। लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, तीन पार्टनर ए बी सी ऑन 31 मार्च 2023, ए कैपिटल बी कैपिटल वर रुपी 30,000 and 2,000 रिस्पेक्टली, बट सी ऑड रुपी 5,000 टू द फर्म, यानी कि ये इसकी कैपिटल असेट साइड में आएगी, इसने फर्म को देना है। द लाइबिलिटी वर रुपी 20,000, लाइबिलिटी बता रखी है। द असेट्स ऑफ द फर्म रिलीज 50,000, ये तो बता रखा है कि असेट्स कितने की रिलीज हो गई, लेकिन असेट्स थी कितने की ये नहीं पता, उसके लिए हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, उसी का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो जो जो चीजें गिवन है बैलेंस शीट में आने वाली, वो बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। एक तो कैपिटल दे रखी है, लिख दो कैपिटल ए और बी की, ए की दे रखी है बी की दे रखी है, दोनों की दे रखी है, एक की है 30,000 एक की 20, लिख दो। और सी ऑड टू द फर्म, अच्छी तरह से ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना कहीं, सी भी यहां लिख दो। ऑड टू द फर्म का मतलब है उसने फर्म को देने हैं, इधर आ जाएगी सीज कैपिटल, यहां लिख दो क्योंकि इसने फर्म को देनी है, कितना देना है 5,000 रुपी। ये क्लियर हो गया यहां तक, ये तो हमने अब कैपिटल लिखी तीनों की। अब लाइबिलिटी दे रखी है 20,000, लिख दो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर होंगे,
उसने लाइबिलिटी दे रखी है, आप लाइबिलिटीज लिख दो बस 20,000। आगे तो सीधा बता रखा है कि असेट्स इतने की रिलीज हुई। अब इसको बंद करो, यहां से पता चलेगा हमारे पास कितनी असेट्स थी जो रिलीज हुई है। टोटल करते हो तो इधर का तो बनता है 70,000। देखो लिख दो 70, बहुत ईजी है, ध्यान रख लो मेमोरेंडम, कोई मुश्किल नहीं है। और यहां लिख दो सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री का मतलब मोर देन वन असेट्स, बैलेंसिंग फिगर आई है हमारी। अब इसको बेस बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन करते थे हमें बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती थी, उसको बेस बनाकर रियलाइजेशन बना रहे थे। ये जो क्वेश्चन है इनमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी हमें, तो बैलेंस शीट बना ली, वहां से अब रियलाइजेशन बना लो। अब पहले तो असेट्स को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। लिखो यहां पर टू सन्ड्री असेट्स, कितना अमाउंट निकला है 65,000, लिख दो 65। और लायबिलिटी इधर ट्रांसफर कर दो, लिख दो लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस क्रेडिटर होंगे ये, अमाउंट दे रखा है 20,000, लिख दो 20। ये तो ये वर्क हुआ। अब उसने बताया ये असेट्स रिलीज हो गई 50,000 की, तो जब भी रिलीज होंगी इधर लिखेंगे, लिख दो भाई बैंक यहां पर जितने अमाउंट की रिलीज हुई है, लिख दो असेट सोल्ड, कितना अमाउंट बता रहा है 50। लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, क्या हुआ, तो लायबिलिटी अपने आप पे ऑफ करनी है। लिखो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो लायबिलिटी पेड, कितना अमाउंट है 20,000, क्लियर हो गया। और कोई एक्सपेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लोज करो इसको। ये वाली साइड ज्यादा बड़ी दिख रही है, 85 बनता है उधर 70, लिख दो जो बड़ी साइड है, लॉस आ रहा है हमको, लिख दो 85,000। और ये लॉस ट्रांसफर कर दो, कितना आ गया लॉस 15,000, नोट करो ये रहा, 70,000 माइनस 85 करोगे तो लॉस आ जाएगा। लिख दो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय लॉस ट्रांसफर टू, और कौन सा रेशियो यूज करना है नोट कर लो, 5:3:2 क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान रख लो। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का तो आएगा 7,500, एक का आएगा 4,500, एक का आएगा 3,000, कैसे आया वो भी देख लो। ये 15,000 का टोटल लॉस हुआ तीनों के लिए, तो तीनों के रेशियो में करो, ऊपर तो 5 और नीचे टोटल सम करो डिनोमिनेटर में, तो इतना आ जाएगा। ऐसे इसका कर लो 15 × 3/10, तो ये 45 आ जाएगा। ऐसे इसका करो 15,000 × 2/10, करोगे तो 3,000, क्लियर हो गया। ये तो बन गया रियलाइजेशन। अब करते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, नोट करो। बैलेंस शीट में इनके बैलेंस दे रखे हैं, जिसके लायबिलिटी में दे रखे हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे, जिसके असेट्स में दे रखे हैं वो डेबिट साइड आएंगे। लिखते जाओ, इसका तो दे रखा था 2 का तो लायबिलिटी साइड, तो 2 का तो बैलेंस भी इधर आएगा। इसका तो 30,000 दे रखा है, इसका 20,000 दे रखा है, और ये गलती मत करना कहीं, सी का भी इधर लिखो, सी का असेट साइड दे रखा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, देखो यहां लिखो टू बैलेंस बीडी। क्यों लिखा, क्योंकि असेट्स के जितने भी बैलेंस हैं डेबिट साइड आएंगे, लायबिलिटी के क्रेडिट, लिख दो। तो वर्क हो गया बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं था, होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो है ही नहीं। अब चलते हैं रियलाइजेशन में, प्रॉफिट हुआ था या लॉस, वहां पर हुआ था लॉस याद करो, और लॉस जो था अब लेजर पोस्टिंग शुरू होगी, क्रॉस करके लिखना याद रख लो। वैसे बैलेंस शीट से भी क्रॉस करके लिखते हैं, आपको पता नहीं चला। ये जो बैलेंस दे रखे थे किधर थे आप नोट करो, लेफ्ट हैंड साइड, किधर लिख दिया हमने राइट हैंड साइड। इसका किधर दे रखा था, सी का राइट हैंड साइड, लिख दिया लेफ्ट। अब रियलाइजेशन में चलो, लॉस लॉस था तो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट में लिखा है, तो यहां पर आएगा जब कैपिटल में तो डेबिट, तो टू लिखो रियलाइजेशन। दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेंगे, लॉस होगा तो डिक्रीज। इस क्वेश्चन में लॉस था तो डिक्रीज इधर आएगा। कितना लॉस हुआ था नोट करो, एक का तो आया था 7,500, दूसरे का आया था 4,500, तीसरे का आया था 3,000, क्लियर हो गया। ये लेजर पोस्टिंग है जो हमने 11th में कर रखी है, एक लेजर से जब दूसरे लेजर में जाएंगे तो क्रॉस करके लिखते हैं। ये किधर लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड, तो यहां का ले लिया हमने डेबिट साइड। अब इसको करते हैं क्लोज, कोई और आइटम नहीं है। पहले ए और बी का करो, इधर की साइड बड़ी है, लिख दो 30, का लिख दो 20,000, ये यहां पर आ जाओ, ये तो 30,000 है, दूसरे का 20,000 है, करते हैं तो ये तो आ गया 22,500, या लिख दो टू बैंक, ये फाइनल पेमेंट हो रही है, ध्यान रख लेना किसको, पार्टनर को, लिख दो फाइनल पेमेंट, पार्टनर इतना अमाउंट रिसीव करेंगे डिसोल्यूशन पर, ये वाला पार्टनर। दूसरे की बात करो, करोगे तो 15,500 आ रहा है। इसकी बात करते हैं तो ये ब्रिंग करेगा फर्म के लिए, क्यों, इसकी कैपिटल डेबिट में ज्यादा आ गई, लिखो 8,000, और यहाँ लिख दो इसके अकाउंट में 8,000, और यहाँ लिख दो बाई बैंक, जिधर भी डिफरेंस आए आप बैंक लिख दो, ये लिख दो यहाँ पर, ये ब्रिंग करेगा यानी कि फर्म के लिए लेके आएगा।
क्लियर हुआ। अब चलते हैं बैंक अकाउंट पे। मैंने आपको बताया जैसे बैलेंस वीडी लिखा था ऐसे इसका भी बैलेंस वीडी लिखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में इसके बैलेंस नहीं है तो बैलेंस वीडी नहीं लिखा जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन में बैंक का लिखा था, बैंक लिखा था डेबिट साइड में जो पेमेंट कर रखी है लायबिलिटी को, तो यहां पर लिख दो वो कितना अमाउंट की पेमेंट थी 20,000 ये लिखो, और यहां लिख दो जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो आप रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो लायबिलिटी पेड। अब चलते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी आपको पता है 50,000 था जो असेट से रिलीज हुई थी, तो क्रेडिट में लिखी थी, यहां कहां आएंगी डेबिट में, लिख दो टू रियलाइजेशन। अभी ये कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट से आपको और क्लियर हो जाएगी, ये लिख दो असेट सोल्ड कितना अमाउंट था 50,000, अब यहां से और क्लियर होगी। ये देखो अब ये बैंक लिखा हुआ है, किधर लिखा है डेबिट, तो किधर जाएगा बैंक अकाउंट में क्रॉस करके, यहां लिख दो बाई ए और बाई बी, ऐसे ही हमने रियलाइजेशन से ट्रांसफर किया हुआ है, ए कैपिटल और यहां लिख दो बीज कैपिटल, कितना कितना अमाउंट है, एक का तो 22,500 दूसरे का 15,500, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं इधर, ये बैंक लिखा हुआ है किसके कितना अमाउंट है 8, तो 8,000 लिख दो, और कौन से अकाउंट में है सी, तो क्रॉस करके ही बताया था आपको, लिख दो सीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया, ये बन गया बैंक। अब इसकी करते हैं टोटलिंग, ये मैच करना चाहिए, मैच करेगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये बन गया 58,000 ये वाली डेबिट साइड, तो क्रेडिट भी उतनी आनी चाहिए 20 और 50, तो ये बन गया, ये भी 58 बन गया, लिखो जी, इसका मतलब दोनों साइडें मैच कर गई तो पीछे कोई एरर नहीं हुई, एरर होगी तो ये दोनों साइडें मैच नहीं करेंगी। तो आज हमारा अभी 44 तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।